अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। बहुत मुश्किल है घर पे रहना, बहुत मुश्किल। ज़िंदगी में पहली मरतबा अंदाज़ा हुआ कि घर पे रहना इतना ज़्यादा मुश्किल है। हर वक्त सोचते रहते थे यार कोई छुट्टी आए, घर पे रहें, फारग रहें। लेकिन अब फारग रहना पड़ा है तो पता है, लेकिन चलें जैसे भी है, बर्दाश्त करना पड़ता है। अल्लाह करे जल्द ही ये कोरोना वायरस ख़त्म हो और हम दोबारा अपने घरों से निकलें और उसी तरह से काम कर रहे हैं जिस तरह से हम रूटीन में करते हैं। लेकिन इस फारग वक्त में भी हमें कुछ ना कुछ जो है वो सीखना चाहिए। मैं पहले भी आपको जो है वो कुछ ना कुछ सिखाता रहता हूँ, तो आज भी हम कुछ सीखने के बारे में बात करेंगे। क्या सीखेंगे आज हम जो है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच में कंजंक्शंस पे बात करेंगे। अब कंजंक्शंस स्टूडेंट्स आपको पता है बहुत अहम वर्ड्स होते हैं, और एक्चुअली जब हम लंबे लंबे सेंटेंसेस जो है वो लिखे हुए देखते हैं तो उन सेंटेंसेस को इतना लंबा बनाने में कंजंक्शंस का जो है वो बहुत अहम किरदार होता है। तो इन कंजंक्शंस का हमें पता होना चाहिए कि ये कंजंक्शन जो है वो होते क्या हैं और इनकी मशहूर किस्में कौन कौन सी हैं, ताकि हम सेंटेंसेस में इनको रिकग्नाइज कर सकें और सेंटेंसेस का अच्छी तरह से एनालिसिस कर सकें, और फिर बाद में जब हम अच्छी लैंग्वेज लिखने, अच्छी इंग्लिश लिखने के काबिल हो जाएं तो हम इन कंजंक्शंस को अपनी लैंग्वेज में इस्तेमाल कर सकें। तो चलिए जी स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं आपको डेफिनेशन बताता हूँ। ये जस्ट जो है वो सॉर्ट ऑफ वार्म अप है, उसके बाद मैं आपको सारे का सारा जो है वो कंप्यूटर स्क्रीन पे समझाऊंगा कि ये कंजंक्शन जो है वो है क्या, मशहूर किस्म के कंजंक्शन जो है वो कौन से हैं, उनकी डेफिनेशंस, उनके यूज़, और एंड पे उसी तरह से हम एक छोटी सी एवेल्यूएशन, एक छोटा सा टेस्ट लेंगे। मेरी ये कोशिश है कि आप क्रैमिंग आप समझते होंगे, क्रैमिंग सम्राट जो है वो रट्टे की आदत से बाहर आएँ और लैंग्वेज को समझकर लैंग्वेज पे काम करना शुरू करें और लैंग्वेज को जो है अच्छी तरह से सीखें और बाद में उस सीखी हुई लैंग्वेज को अच्छी तरह से यूज़ करें, ताकि आप नए से नए आइडियाज़ जो है वो एक्सप्लोर कर सकें, आप नए से नए आइडियाज़ को जो है वो रिकॉर्ड कर सकें लैंग्वेज की फॉर्म में। लैंग्वेज इसीलिए लिखना सीखनी पड़ती है क्योंकि लिखने से एक नस्ल का इलम जो है वो दूसरी नस्ल को मुंतकिल होता है, बल्कि बहुत सारी नस्लों का, बहुत पुरानी नस्लों का इलम जो है वो आने वाली नस्लों को मुंतकिल होता रहता है। हम इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि बहुत सारी किताबें बहुत पहले जो है वो लिखी गई, लेकिन अगर वो लिखी ना जाती तो उनमें लिखी हुई अच्छी अच्छी बातें आज हम तक किसी तरह से भी ना पहुंचती। इसलिए लिखना एक बहुत ही अहम जो है वो एक्टिविटी है और इसको सीखना चाहिए, और जितनी ज़्यादा मेहनत आप इस एक्टिविटी को सीखने पे करेंगे उतना ज़्यादा ये आपको आएगी, आप जो है वो लिखना शुरू कर देंगे और इससे आपको इज्जत और तकरीम जो हम ज़िंदगी में जो है वो चाहते हैं कि हमें जो है वो लोग हमें इम्पोर्टेंस दें, तो इससे आपको जो है वो इम्पोर्टेंस मिलेगी। तो स्टूडेंट्स आज हम कंजंक्शन पे बात करेंगे, तो चलिए मैं आपको ये सब कुछ जो है वो कंप्यूटर की स्क्रीन पे समझाता हूँ, ताकि आपके जहन में सारे के सारे जो है वो कॉन्सेप्ट जो है वो बैठ जाए। बहरहाल जो कोशिश आपने करनी है वो ये कि आपने रट्टा नहीं लगाना, टर्मिनोलॉजी को अपने माइंड में बिठाना है और इसको जो है वो समझना है, और समझने के बाद जब भी आप कुछ पढ़ रहे हो उस पर इसको जो है वो अप्लाई करना है और इसको अच्छी तरह से इन डिटेल अपने जहन में रखना है, ताकि आप मुस्तकबिल में इसको जो है वो इस्तेमाल कर सकें और अच्छी अच्छी इंग्लिश जो है वो लिख सकें। चलिए चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पे। जी स्टूडेंट्स, अब हम आ गए हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पे, और यहाँ पे हम जो है वो पहले एक समरी बनाएंगे कि आज हमने जो है वो क्या क्या करना है, और कोशिश करेंगे कि हर चीज़ को अच्छी तरह से आराम से समझ के जो है वो करें। यानी हमने आज कंजंक्शंस पे बात करनी है कि कंजंक्शन जो है वो क्या होते हैं, उसके बाद जो है वो हमने दो तरह के कंजंक्शन देखने हैं, एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस को देखना है और एक जो है वो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस को जो है वो देखना है। ये तीन जो हमारे बेसिक माइलस्टोन्स हैं आज के जो है वो लेक्चर के।
इन तीनों को हमने जो बार बार बारी बारी जो है वो देखना है। सबसे पहले जो है वो ऑफ कोर्स हम कंजंक्शन को देखेंगे कि कंजंक्शन जो है वो क्या होते हैं। कंजंक्शंस की अब जो है वो डेफिनेशन देखें ज़रा क्या है। जॉइनिंग वर्ड्स आर कॉल्ड कंजंक्शंस। जॉइनिंग वर्ड जो है उनको हम कंजंक्शन जो है वो कहते हैं। अ कंजंक्शन में जॉइन वर्ड्स फ्रेजेज एंड क्लाजेज इन अ सेंटेंस। क्या करते हैं कंजंक्शन, वर्ड्स को ज्वाइन कर सकते हैं, फ्रेजेस को ज्वाइन कर सकते हैं और क्लाजेस को सेंटेंस में ज्वाइन कर सकते हैं। ये जो हम कम्प्लेक्स किस्म के सेंटेंसेस देखे हैं, थोड़े से लेंथी सेंटेंसेस देखते हैं, उनमें मुख्तलिफ किस्म के क्लाजेस या मुख्तलिफ किस्म के वर्ड्स को जोड़ने के लिए जो लफ्ज़ इस्तेमाल होते हैं उनको हम जो है वो कंजंक्शन जो है वो कह देते हैं। और आप जो भी जो कुछ भी पढ़ रहे हो आपको जो है वो कंजंक्शन से आपका वास्ता पड़ता रहता है। इवन इस डेफिनेशन में अगर आप जो है वो देखें ये एंड जो है इसने फ्रेजेस एंड क्लाजेस को आपस में जो है वो जोड़ा हुआ, तो ये किस्म का कंजंक्शन है। बहरहाल हम एग्जाम्पल्स के थ्रू और आराम से इन चीज़ों को जो है वो समझने की कोशिश करेंगे कि ये होती क्या है। सबसे पहले जो है वो देखें कि अहमद एंड अली आर वेरी गुड फ्रेंड्स। अब मुझे जो है वो यहाँ से पेन ले लेने दे ताकि जो है वो मैं इसको पॉइंट आउट कर सकूँ। यहाँ पे ये एंड ने अहमद और अली को जो है वो आपस में जोड़ा हुआ है, तो ये एंड जो है वो कंजंक्शन है। नेक्स्ट सेंटेंस में देखें, अली वेंट आउट एंड फॉरगॉट हिज वे बैक। अब ये दोबारा जो है वो मैं पेन ले लूँ यहाँ पे, ये पेन जो है वो बार बार जो है वो लेना पड़ेगा आपको समझाने के लिए, इसको अंडरलाइन करने के लिए। बहरहाल इतना सा तो जो है हमें टाइम लेना पड़ता है। ये एंड जो है वो दे अगेन जो है वो यहाँ पे जो है कंजंक्शन है। फिर उसके बाद जो है वो आप नेक्स्ट सेंटेंस को अगर जो है वो देखते हैं तो ये यहाँ पे ये बट जो है ये बट सब जो है वो कंजंक्शन है। ठीक, तो ये मशहूर किस्म के आ सेज कैन सी इन टू फ्यूचर बट ही कैन नॉट स्टॉप इट। अब ये सेज का मीनिंग तो आपको आता होगा। बहरहाल अगर आपको इसका मीनिंग नहीं आता, सेज जो है वो सेंट ऐसे बंदे को बोलते हैं जो वाइज हो, जो दानिशमंद हो, दरवेश किस्म का जो बंदा जिसे जो है वो जो दुनिया के बारे में काफ़ी ज़्यादा सोचता रहता है। तो इन एग्जाम्पल्स में आपको कंजंक्शन का जो है वो पता चल गया होगा कि कंजंक्शन जो है वो होते क्या हैं। अब हम पहले बात करके आए हैं कि कंजंक्शन के बाद जो है वो हम देखेंगे कि कंजंक्शन की कितनी किस्में होती हैं। कंजंक्शन की काफ़ी ज़्यादा इकसाम होती हैं, लेकिन यहाँ पे हम जो है वो दो इसकी जो मेजर कंजंक्शन की जो इकसाम हैं, काइंड्स हैं, उनको हम जो है वो डिस्कस करेंगे। कौन कौन से होते हैं? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हैं और सबऑर्डिनेटिंग। इनको अपने अपने माइंड में बैठा लेना है कि हमने क्या करना है। हमने एक पूरे लेक्चर की आप समरी, जब भी जो है आप लेक्चर ले रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं कहीं पर बैठे, आप उसके जो मेन पॉइंट्स हैं उनकी समरी जो है वो अपने माइंड में जो है बनाते चले जाएं। वीडियो लेक्चर का जो है वो ये भी फ़ायदा होता है कि आप इसे यहाँ पे स्टॉप कर सकते हैं और अपने जहन में जो है इन तीन चीज़ों को बिठा सकते हैं कि हमने करना क्या क्या करना है। हमने करना है कंजंक्शन ही पे बात की है, उसके बाद जो है हम जो है वो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन देखेंगे और उसके बाद जो है वो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जो है वो देखेंगे। तो पहले ऑफ कोर्स हम कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जो है वो देखेंगे। ये डेफिनेशन याद करना लाजमी नहीं होता, लेकिन जो है वो डेफिनेशन स्टूडेंट की नॉलेज के साथ जो है वो डेप्थ मोहब्बत को शो करती है। आप जो है अगर आप इलम से मोहब्बत करेंगे, इलम आपसे मोहब्बत करेगा और आपको वो ज़िंदगी में वो सब कुछ मिलेगा जिसकी लोग जो है वो ज़्यादातर जो है वो ख्वाहिश करते हैं। अमूमन स्टूडेंट्स जो है इस बात से कतराते हैं कि वो मेहनत ना करें, चीज़ें आसानी से उनको जो है वो आ जाएं या जो है उनका वक्त जो है वो गुजर जाए। वक्त गुजर जाता है लेकिन जब हमें जो है वो एहसास होता है कि हमने जो है बहुत सारा वक्त बगैर काम किए गुजार दिया है तो उस वक्त हमें जो है वो बड़ा दुख होता है। इसलिए आप जो है वो काम करते रहा करें, मेहनत किया करें। इसके दिन में हम जो है वो बैठे हैं, हमने इतने घंटे जो है वो स्टडी लाजमी करना है और उसमें हमने क्या क्या काम करना है ये आपको पता है। कंजंक्शंस वी ज्वाइन क्लाजेज और स्टेटमेंट्स ऑफ इक्वल रैंक आर कॉल्ड कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। अगर आपने इससे पहले एक लेक्चर है काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस पे, वहाँ पे मैंने क्लाजेस की जो है वो बात की है। क्लाजेस जो है वो कोऑर्डिनेटिंग क्लाजेस होती हैं और सबऑर्डिनेटिंग क्लाजेस होती हैं। कोऑर्डिनेटिंग क्लाजेस से मुराद क्लाजेस इक्वल रैंक की होती हैं, यानी उनको जो है वो आप अलग सेंटेंसेस की शक्ल में भी लिख सकते हैं। वो अपने मीनिंग के लिए जो है वो किसी दूसरी चीज़ पर डिपेंड नहीं कर रहे होते। तो उस किस्म की क्लाजेस को जो है वो क्लाजेस ऑफ इक्वल रैंक बोल देते हैं। तो ऐसे कंजंक्शन जो उस किस्म की क्लाजेस को या इक्वल रैंक की क्लाजेस को, ऐसी क्लाजेस को जिनको हम इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस की शक्ल में लिख सकें विदाउट चेंजिंग देयर मीनिंग, उनको जो जोड़ें उनको हम जो है वो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जो है वो बोल देते हैं। अब ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जो है चार किस्म के होते हैं।
ये आपको जो है वो आने चाहिए उसमें पहले, लेकिन जो मेजर कोऑर्डिनेटिक कंजंक्शन है जो हम अक्सर इस्तेमाल करते हैं, हमारे सामने जो है वो नज़र आते हैं, वो एंड है, बट है, फॉर है, और है, आल्सो, ओनली, एक्स्ट्रा, इस तरह से और भी बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन ये कुछ ज़्यादा हमारे जो नज़र आने वाले जो है वो कंजंक्शन, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। ठीक है जी स्टूडेंट, अब हमने जो है वो काइंड्स ऑफ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस पे जाना है। मैं पहले आपको जो है वो इशारा दे चुका हूँ कि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस की चार किस्में होती हैं। आपने अब यहाँ पे जो है वो बेशक जब ये चार कंप्लीट हो जाएं, आपने एक मतलब वीडियो को पॉज कर देना और इन चीज़ों को जो है वो सारे लेक्चर की समरी जो यहाँ तक आपने किया है उसको अपने जहन में उठाना है, ताकि आप इसको अच्छी तरह से आपके ये आपकी लर्निंग का पार्ट जो है बन सके। सबसे पहले जो है वो क्यूमुलेटिव कंजंक्शंस होते हैं, उसके बाद जो है वो एडवर्सेटिव कंजंक्शंस होते हैं, उसके बाद जो है वो डिसजंक्टिव कंजंक्शंस होते हैं, और उसके बाद जो है वो एलिटिव कंजंक्शन होते हैं। हम बाद में जो है वो इनको देखेंगे कि ये एक्चुअली जो है वो होते क्या हैं, लेकिन आप जो है वो यहाँ पे ये कर सकते हैं कि आप वीडियो को जो है वो एक मरतबा जो है वो पॉज कर दें, और जो है वो जो अभी तक आपके लेक्चर में जो चीज़ें आई हैं उनकी एक समरी जो है वो अपने जहन में बनाने की कोशिश करें। मसलन जो है वो आप इस तरह शुरू करें कि हम कंजंक्शन के बारे में पढ़ रहे हैं, कंजंक्शन की दो मेन टाइप्स हैं, कोऑर्डिनेटिंग कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हैं। अब जो है वो आगे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन उनकी जो है वो चार इकसाम हैं, वो कौन कौन सी हैं, क्यूमुलेटिव कंजंक्शन होते हैं, एडवर्सेटिव कंजंक्शन होते हैं, डिसजंक्टिव कंजंक्शन होते हैं, एलिटिव कंजंक्शन होते हैं। इन चीज़ों को जब जो है वो आप अपने जहन में बिठाएंगे तो ये टर्मिनोलॉजी जब भी जो है वो आगे एक्सप्लेन की जाएंगे आप परेशान नहीं होंगे कि आप कर क्या रहे हैं, क्योंकि जब जो है वो इन्फॉर्मेशन जहन में ज़्यादा जमा होना शुरू हो जाती है और हम इन्फॉर्मेशन को जो है वो तरतीब नहीं दे पा रहे होते, उनको उस मुनासिब जगह पे नहीं रख पा रहे होते, तो ये चीज़ें जो है वो कंफ्यूजिंग सी हो जाती हैं और स्टूडेंट जो है वो परेशान हो जाते हैं, इस तरह से वो काम में अपनी इंटरेस्ट जो है वो छोड़ देते हैं। ये जो इस तरह से आप ऑनलाइन या वीडियो के जरिए जो है पढ़ रहे हैं, इसके नुकसान भी हैं, फ़ायदे भी हैं, लेकिन इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आप जहाँ मर्जी चाहें अपने लेक्चर को रोक सकते हैं और उसको जो है वो दोबारा देख सकते हैं, जितनी मर्जी मर्तबा चाहें जो है वो आप जो है वो देख सकते हैं। लेकिन बेहतरीन तरीका ये होता है कि एक चीज़ का लिंक जो है वो दूसरी चीज़ के साथ जो है वो इस्टेब्लिश करते चले जाएं। जब आप जो है वो इस तरह से लिंक इस्टेब्लिश करते चले जाते हैं तो आपका जहन जो है वो चीज़ों को जो है वो ऑब्जॉर्व कर रहा होता है, उन चीज़ों को जो है उस जगह पे स्टोर कर रहा होता है जहाँ उन पे उसको जो है वो स्टोर होना चाहिए, और फिर जब आपको जो है वो ज़रूरत होती है आप वहीं से वो चीज़ें जो है वो वापस आप उनको रिकॉल कर सकते हैं। बहरहाल ये चार किस्म के जो है वो कंजंक्शन हैं, क्यूमुलेटिव कंजंक्शन, एडवर्सेटिव कंजंक्शन, डिसजंक्टिव कंजंक्शन और एलेटिव कंजंक्शन। अब जो है वो आगे चलते हैं, इनको देखते हैं। क्यूमुलेटिव कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जो है वो क्या होते हैं, ऐसे कंजंक्शन कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन विच एड वन स्टेटमेंट टू अनदर, यानी इनका काम यही होता है कि एक स्टेटमेंट को दूसरी स्टेटमेंट पे जो है वो ऐड कर देते हैं, यानी इजाफा कर देते हैं। जैसे एग्जांपल, वी सैट एंड वी एट, यहाँ पे एंड जो है वो अगर आप इसको जो है वो देखें तो क्या काम कर रहा है, ये जो है वो ऐड कर रहा है और इजाफा ही कर रहा है। उसके बाद ये सिर्फ जो है वो एंड को आपने देखना है, बाकी को नहीं। तो ये एंड जो है वो किस किस्म का कंजंक्शन है, सबसे मशहूर जो है वो अक्यूमुलेटिव कंजंक्शन जो है वो एंड है। एक और एग्जांपल जो है वो देख लें, जिस तरह से ऊपर वाले में जो है वो दो क्लाजेस को आपस में जोड़ा हुआ है, यहाँ पे जो है वो दो नाउन्स को आपस में जो है वो जोड़ा हुआ है, दो वर्ड्स को जो है वो आपस में इसने जो है वो जोड़ दिया, तो इसको जो है वो आप यहाँ से जो है वो आराम से देख सकते हैं। ठीक है जी स्टूडेंट्स, मेरा ख्याल है क्यूमुलेटिव कंजंक्शन की आपको समझ आ गई होगी कि ऐसे कंजंक्शन इनमें जो सबसे मशहूर जो है वो एंड है, हम बहुत ज़्यादा इसको जो है वो इस्तेमाल करते हैं, जगह जगह जो है वो लिखा हुआ जो है वो नज़र आता है। तो इसका काम क्या होता है कि ये एक स्टेटमेंट को दूसरी स्टेटमेंट में जो है वो ऐड कर देता है। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो एडवर्सेटिव कंजंक्शन जो है वो होते हैं, ये क्या होते हैं, इनकी डेफिनेशन देख लें। कोआर्डिनेटिंग कंजंक्शन विच एक्सप्रेस अपोजिशन और कॉन्ट्रास्ट बिटवीन स्टेटमेंट, यानी बाजू का दो स्टेटमेंट्स दी होती हैं, एक दूसरी से जो है वो मुख्तलिफ होती है, तो उन दोनों स्टेटमेंट्स के आपस में जोड़ने के लिए जो आप कंजंक्शन इस्तेमाल करते हैं उसे एडवर्सेटिव जो है वो कंजंक्शन जो है वो कह देते हैं। और इसमें सबसे मशहूर जो कंजंक्शन जो है वो बट है, ये बहुत ज़्यादा आप जो है वो लिखा हुआ देखते हैं, जिस तरह से ये सेंटेंस देखें, ही इज़ स्लो बट ही इज़ श्योर, और उसके बाद जो है वो ही इज़ नॉट लेजी ओनली ही डज नॉट नो हाउ टू डू इट, यहाँ पे ओनली जो है वो इस्तेमाल हुआ है। अब ओनली हम लोग बट तो हमें बहुत ज़्यादा नज़र आता है एज अ कंजंक्शन इस्तेमाल हुआ, लेकिन ओनली जो है वो कम इस्तेमाल हुआ था। लेकिन आपने जो है वो ख्याल जो है करते चले जाना है कि इस डेफिनेशन के मुताबिक जब भी कोई कंजंक्शन आपके सामने आए तो आप जो है उसको देख सकें कि ये किस किस्म का कंजंक्शन है,
अगर क्यूमुले अगर जो है ये कोऑर्डिनेटिक कंजंक्शंस में से है, तो वो चार किस्म के जो कंजंक्शन आपने पढ़े हैं उनमें से ये किस किस्म का है। बहरहाल इसका आपको अच्छी तरह से यूज़ जो है वो आना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो डिसजंक्टिव कंजंक्शंस हैं। इनकी जो डेफिनेशन देखें, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस विच एक्सप्रेस अ चॉइस बिटवीन टू स्टेटमेंट्स। बाज़ुकात दो स्टेटमेंट्स में से एक जो है वो आपने चूज करनी होती है, तो उसके लिए आप कोई ना कोई कंजंक्शन जो है वो इस्तेमाल करते हैं। और जो है वो सबसे ज्यादा मशहूर कंजंक्शन है इस सिलसिले में, जैसे शी मस्ट वीप और शी विल डाई, यहाँ पे। और जो है वो मैं आपको हाईलाइट कर दूँ ताकि आपके जो जहन में जो है वो रहे कि यहाँ पे कंजंक्शन जो है वो है कहाँ पे, और ये जो है वो आपका कंजंक्शन है। और देख लें कि ये दो स्टेटमेंट्स हैं उसमें से एक की चॉइस को जो है वो पेश कर रहा है। उसके बाद जो है वो देखें, ही इज नॉट ब्लाइंड नॉर ही इज डेफ। अब यहाँ पे अगर आप जो है इसको देखते हैं तो आपको फिर जो है वो दोबारा ये नज़र आता है कि ये नॉर जो है ये इसको इसने इस तरह से जोड़ा हुआ है, और ये दोनों में से एक चीज़ की चॉइस के बारे में कह रहा है। बहरहाल ऐसे कंजंक्शन जो दो दो स्टेटमेंट में से एक चॉइस के बारे में जो बात करें, उन्हें जो है वो हम डिसजंक्टिव कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जो है वो बोल देते हैं। उसके बाद स्टूडेंट जो है वो एलेटिव कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। इनकी डेफिनेशन सबसे पहले जो है वो देख लें, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन विच एक्सप्रेस एन इन्फरेंस। इन्फरेंस से मुराद है कि आपने किसी चीज़ को एक चीज़ से दूसरी चीज़ जो है वो अखज होती है, यानी नतीजा जो है वो निकलता है। तो इस किस्म के कंजंक्शन को जो है हम लोग एलेटिव कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जो है वो बोल देते हैं। अब समथिंग सर्टनली फेल इन फॉर आई हर्ड अ स्प्लैश। अब ये जो यहाँ पे कंजंक्शन जो है ना वो फॉर है, इस फॉर ने इन दोनों क्लॉजेस को आपस में जोड़ा हुआ, तो इस किस्म का जो कंजंक्शन, क्योंकि ये नतीजा रिजल्ट वगैरह के बारे में बता रहा है, तो इसे जो है वो एलेटिव कंजंक्शन जो है हम लोग जो है वो बोलते हैं। एक और एग्जांपल जो है वो देख लें, ऑल द प्रिकॉशंस मस्ट हैव बीन निगलेक्टेड निगलेक्टेड फॉर द डिजीज स्प्रेड वेरी रैपिडली। अब यहाँ पे आप जो है अगर जो है वो देखते हैं, अगेन जो है फॉर कंजंक्शन के तौर पर जो है वो यूज हुआ है, इसने दोनों सेंटेंसेस को आपस में जोड़ा हुआ है, और ये इस किस्म के कंजंक्शन को हम जो है वो एलेटिव कंजंक्शन जो है वो बोल देते हैं। अब यहाँ पे वीडियो जो है वो एक मरतबा पॉज कर सकते हैं, वापस जा सकते हैं, सारी चीज़ों की जो है वो अपने जहन में समरी बना सकते हैं कि वो क्या क्या है। मसलन आप जो है वो कंजंक्शन पे जाएंगे, फिर आप दो किस्म की कंजंक्शन की बात करेंगे, फिर आप जो है वो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस की फोर काइंड्स की जो है वो बात करेंगे, और उनकी डेफिनेशंस को अपने माइंड में उठाएं। आप जो है उसको रिवर्स करके भी जो है वो देख सकते हैं। अच्छा, अभी तक जो हमने किया है वो किया क्या, हमने कंजंक्शन की बात की, कंजंक्शन के बारे में हमने कहा कि ये जोड़ने वाले अल्फाज होते हैं। किसको जोड़ते हैं, ये दो अल्फाज को आपस में जोड़ देते हैं, दो फ्रेजेस को जोड़ सकते हैं, जो क्लाजेस को जोड़ सकते हैं। और उसके बाद जो है वो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होते हैं, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होते हैं। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के बारे में हमने बात की कि ये ऐसे कंजंक्शन होते हैं जो इक्वल रैंक की क्लाजेस को जो है वो जोड़ते हैं। सबऑर्डिनेट कंजंक्शन यहाँ पे आप आसानी से इन्फर कर सकते हैं, तो फिर ये उस किस्म के कंजंक्शन होंगे जो अनइक्वल रैंक की यानी सबऑर्डिनेटिंग क्लाजेस की को जो है वो ज्वाइन करते हैं। मैंने क्लाजेस के बारे में जो है वो पहले भी जो है वो एक जगह पे बात की है, वहाँ पे कोऑर्डिनेटिंग सबऑर्डिनेटिंग क्लाजेस के बारे में देखा है, वो आप इससे पीछे वाला लेक्चर जो है वो आसानी से देख सकते हैं मेरे चैनल पे जाके, ताकि आपको जो है वो अगर आपको कॉन्सेप्ट जो है उसका क्लियर नहीं है तो आप उसको जो है वो क्लियर कर लें। अच्छा, उसके बाद जो है फोर काइंड्स होती हैं, अभी हम जो है वो देख के आए हैं। क्यूमुलेटिव कंजंक्शंस होते हैं, ये स्टेटमेंट्स को ऐड करते हैं। एडवर्सेटिव होते हैं, जो अपोजिट स्टेटमेंट्स के बारे में बात करते हैं। डिसजंक्टिव होते हैं, जब जो चॉइस की बात करते हैं, दो में से एक चीज़ की चॉइस। और एलेटिव होते हैं, जो इन्फ्रेंस यानी कुछ अखज करने के बारे में जो है वो होते हैं, यानी एक चीज़ का रिजल्ट दूसरी चीज़ पर, एक चीज़ एक काज होता है और उसका जो है वो अफेक्ट जो है वो होता है। तो ये अभी तक हमने ये चीज़ें की, आप इन्हें जो है वो अपने यहाँ पे आप रोक के इन्हें जो है वो अपने जहन में बैठा सकते हैं, ताकि ये जब आप इस तरह से करते हैं तो आपका जहन में अलग अलग से फोल्डर, अलग अलग से चीज़ें जो है वो बनती चली जाती हैं, और हर चीज़ जो है वहाँ पर स्टोर होती है, और उसको जो है वो रिकॉल करना आसान होता है। नेक्स्ट हमने सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन को देखना है। कोऑर्डिनेटिंग को हमने देख लिया, डेफिनेशन मैं पहले जो है वो आपको बता चुका हूँ कि ये क्या करते हैं, कंजंक्शन विच जॉइन सबऑर्डिनेटिंग क्लाजेस विद प्रिंसिपल क्लाजेस। प्रिंसिपल क्लाजेस और सबऑर्डिनेटिंग क्लाजेस का मैं कॉन्सेप्ट जो है वो आपको पहले दे चुका हूँ, आप उस वीडियो को दोबारा देख सकते हैं, या जो है मैं बता सकता हूँ कि अनइक्वल रैंक, बाज़ुकात जो है वो दो क्लाजेस एक दूसरे पर डिपेंड कर रही होती हैं टू क्लियर देयर मीनिंग, एंड वेन टू क्लाजेस डिपेंड अपॉन वन अनदर, तो उसको जो है हम उनमें से एक क्लास जो है विच कैन स्टैंड अलोन, विच कैन स्टैंड अलोन एज अ
एज एन इंडिपेंडेंट सेंटेंस उसको वी कॉल दैट क्लॉज अ प्रिंसिपल क्लॉज। और दूसरी क्लॉज जो जो डिपेंड कर रही होती है प्रिंसिपल क्लॉज पे अपने मीनिंग को क्लियर करने के लिए, अपना पूरा मतलब देने के लिए, उसे जो है हम सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज जो है बोल देते हैं। तो ऐसे कंजंक्शन जो सबऑर्डिनेटिंग क्लॉजेस को प्रिंसिपल क्लॉजेस के साथ जो है वो जोड़ते हैं, उनको जो है वो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जो बोलते हैं। कौन कौन से चीफ इनमें जो है होते हैं, आफ्टर होता है, बिकॉज होता है, इफ होता है, दैट दो, ऑल दो, टिल, बिफोर, अनलेस, एज, वेन, वेयर, वाइल, सिंस, देन, एक्स, और भी बहुत सारे होते हैं, लेकिन अगर आप जो है वो इनको ही जहन में रख लो और इनको अच्छी तरह से इस्तेमाल करने लग जाओ, तो आप बहुत सारी लैंग्वेज जो है वो प्रोड्यूस करना शुरू कर देते हैं। और यही जो है वो असल में हमारा गोल है, अल्टीमेट गोल ये कि हम जो है वो लैंग्वेज प्रोड्यूस करने के काबिल जो है वो हो जाएं। अब देखें जरा इनकी क्लासिफिकेशन ऑफ सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस जो है वो कुछ होती है। इनको क्लासिफाई करते हैं हम मीनिंग के लिहाज से कि ये किस किस्म के मीनिंग देते हैं। जिस किस्म के ये मीनिंग देते हैं उस लिहाज से हम इनको क्लासिफाई कर देते हैं। जैसे टाइम के लिए हम जो है बिफोर और आफ्टर या वेन इस्तेमाल कर देते हैं। एग्जाम्पल देख लें क्या किस तरह से इस्तेमाल होगा, वेन ही केम वी वर ईटिंग, और इसी तरह से पर्पज के लिए दैट यूज कर देते, वी ईट दैट वी मे लिव, और इसी तरह से कॉज और रीजन के लिए बिकॉज हम बहुत मशहूर जो है वो यूज इस्तेमाल करने वाला होता है। इवन जब भी आप किसी को बोलते हुए सुनते हैं तो बिकॉज तो इतना ज्यादा इस्तेमाल करते हैं लोग, जैसे एंड और बट जो है वो इस्तेमाल करते हैं। शी वेंट टू बेड बिकॉज शी वॉज टायर्ड, और रिजल्ट और कॉन्सिक्वेंस को जो है वो देखें, ही लॉस सो ही लेफ्ट, यानी इसका मतलब ये कि अगर वो हारा ना होता तो उसने जाना नहीं था। उसके बाद कंडीशन के लिए इफ, लेस्ट, टिल, अनलेस आप यूज़ करते हैं, और कंडीशनल सेंटेंसेस जो है वो बहुत ज़्यादा मशहूर हैं। इफ कंडीशनल सेंटेंसेस जहाँ पे भी आप जाएं जो है वो ज़्यादातर लोग आपसे पूछ लेते हैं इफ कंडीशनल सेंटेंसेस, एंड इफ यू वांट टू स्पीक इंग्लिश तो यू मस्ट बी वेरी मच फेमिलियर विद द यूज़ ऑफ दिस इफ कंडीशनल सेंटेंसेस के इनकी कितने हैं। मैं किसी लेक्चर में जो है वो ये आने वाले टाइम में इफ कंडीशनल सेंटेंसेस पे भी जो है वो एक वीडियो जो है वो बनाऊंगा, क्योंकि ये दे आर वेरी मच इम्पोर्टेंट। उसके बाद जो है वो कंसेशन होती है, जैसे दो या टी ए इसके साथ, ही इज टायर्ड या ही विल गो विद अस, और कंपैरिजन के लिए देन बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला है, ये भी कंजंक्शन होता है, आपसे पूछा जा सकता है बाजू का सेंटेंस में कि पॉइंट आउट द कंजंक्शन, आपको एक सेंटेंस ही दे दिया जाए कहीं पे और आप जो है वो इस तरह से कन्फ्यूज हो जाए कि यहाँ पे जो कंजंक्शन जो है वो कहाँ पे है। ये तो देन भी जो है वो एज अ कंजंक्शन यूज़ होता है, क्योंकि जब ये दो क्लाजेस को आपस में जोड़ रहा होता है। चलिए जी, अब हम उसी तरह से जैसे हम जो है वो पहले काम करते थे, ये हम जो है वो एक नॉर्म बनाएंगे कि एट द एंड ऑफ लेक्चर वी विल हैव अ वेरी इजी वैल्यूएशन। उसमें हम जो है वो देखेंगे कि जो कुछ हमने किया उसमें से उसका जो फंक्शनल पार्ट है वो हमें कितना जो है वो समझ आया। फंक्शनल पार्ट से मुराद मेरी ये है कि जो हमारी आम रूटीन में हम लोग जिसको जो है वो लैंग्वेज में यूज़ कर सकें। तो देखें जी, पहला सेंटेंस आपके सामने आ गया है, एज यू सो सो शैल यू रीप, बड़ी मशहूर जो है वो प्रोवर्ब है। आप पॉइंट आउट कर सकते हैं इसमें कंजंक्शन जो है वो है कहाँ पे। चलें जी, मेरा ख्याल है आपने जो है वो सही कर लिया होगा। देख लें, इसमें दो कंजंक्शन यूज हुए हैं, एज और सो। सेंटेंस नंबर दो देखें, शी वॉन्टेड टू क्राई बट देयर वर नो टीयर्स इन हर आईज, कहाँ पे कंजंक्शन है। मेरा ख्याल है बड़ी आसानी से आपने जो है वो इसको देख लिया होगा, बट जो है वो कंजंक्शन है। उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस, सेंटेंस नंबर थ्री, बिफोर ही लेफ्ट द रूम ही लॉक द फ्रंट डोर, सो लेंथी सेंटेंस है, थोड़ा सा केयरफुल, नो वन कैन एंटर द रूम इन हिज एब्सेंस। हाँ जी, कर सकते हैं इसमें से जो है वो कंजंक्शन पॉइंट आउट। जस्ट ट्राई, पहले तो बिफोर हो गया, ओके, एंड देन सो। ये नेक्स्ट सेंटेंस जो है वो देखें जरा गौर से देखना है इस सेंटेंस को, माइट बी ओके समवट लेंथी सेंटेंस। हाँ जी, कैसे देखें इस सेंटेंस को, पढ़ें कहाँ कहाँ पे कंजंक्शन है, तो कैसे जो है वो आप देखेंगे, आप देखेंगे इसको कि चलें मैं आपकी हेल्प करता हूँ। ये एक तो ये एंड, इसने जो है वो इन दोनों को जोड़ा हुआ है, एंड देन फिर बट, ठीक है, और देन जो है वो सो। यानी इस सेंटेंस में कितने कंजंक्शन है, थ्री कंजंक्शन, गुड। नेक्स्ट सेंटेंस देखें जी, सेंटेंस नंबर फाइव, समवट लेंथी सेंटेंस,
मोर लेंथी देन इट शुड हैव बिन अ रियल टेस्ट फॉर यू, के अगर आपने जो है वो चीज़ों को जो है वो माइंड में रखा. सेंटेंस को पढ़ना शुरू करें शुरू से, और कंजंक्शंस को जो है वो पॉइंट आउट करते चले जाएं. चलें जी, शाबाश, देखते हैं आप कर लेंगे या नहीं कर लेंगे. वेल, आप कर सकते हैं. आई नो यू आर वेरी इंटेलिजेंट एंड यू कैन डू इट. ओके, एज से सेंटेंस शुरू हो रहा है. As there is fear that people that and might be infected by the virus, which has no cure so far, the governments all over the world are advising people stay home lest they should catch the infection and cause the spread of the virus. Okay, a lot of conjunctions in this sentence. तो आपको इसी तरह से जो है वो जब आप पढ़ रहे हैं तो आप इसी तरह से जो मुसलसल काम करते चले जाएं. इससे क्या होगा कि आप जो है वो अपने पूरे टेक्स्ट को एनालाइज करना शुरू कर देंगे, और जब आप एक मरतबा टेक्स्ट को एनालाइज करना शुरू कर देते हैं तो आपके लिए टेक्स्ट को प्रोड्यूस करना भी इतना बड़ा मसला नहीं होता. आप कॉन्शियसली टेक्स्ट को प्रोड्यूस कर सकते हैं. बरल जो है वो इनको देखें, कंजंक्शन एज दैट विच लेस एंड ये जो है यहाँ पे जो है वो कंजंक्शन है. ओके स्टूडेंट्स, आई होप यू माइट हैव अंडरस्टूड एवरीथिंग विच आई हैव एक्सप्लेन्ड, एंड आई विल बी एक्सप्लेनिंग मोर थिंग्स इन फ्यूचर एज वेल. एंड ऑल आई वॉन्ट फ्रॉम यूर साइड इज जस्ट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर माई वीडियो लेक्चर्स विद योर फ्रेंड्स सो दैट मोर एंड मोर पीपल कुड वॉच दैम. And I might be able to continue my work with complete peace of mind. Thank you very much for watching it. Allah Hafiz. I hope to meet you in the next lecture.